जो चल के आता उसमें क्या नया करूं। वो क्या है, 30 सेकंड वॉक करके कंटेंट बनाना हमारी आदत नहीं है। एंड आई नो पिछला एपिसोड बहुत लेट आया था, लेकिन समझा करो गाइस, आईपीएल चल रहा था एंड मैं नहीं चाहता कि आईपीएल के बीच में वीडियो डाल के मैं आईपीएल की रीच खराब कर दूं। जस्ट किडिंग गाइस, जोक से मैं किसी भी मायने में ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा शो आईपीएल से बेटर है, नहीं, वहाँ पे बेटर स्क्रिप्टिंग होती है। एंड अब स्क्रिप्टिंग की बात चल ही रही है तो बात करते हैं आज के हमारे आने वाले गेस्ट की। इन भाइयों को ना फनी होने के लिए स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं है, ये लोग ABCD भी पढ़ देना फनी हो जाती है। लोग शॉर्ट्स एंड रील्स भी स्किप कर करके देखते हैं, लेकिन इनकी वीडियो के नीचे पता है क्या कमेंट्स होते हैं, क्या यार बस एक घंटे की वीडियो। जिनसे खुद बॉलीवुड कोलैब मांगता है, जिनकी हर अपलोड के पहले नेट रिचार्ज की संख्या बढ़ जाती है, जिनका हर अपलोड यूट्यूब सर्वर की परीक्षा लेता है। गाइस प्लीज वेलकम ऑफिशियली द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट ऑन द थगेश शो, जैन वसीम नाजिम AKA राउंड टू हेल। ये वो नहीं है, ये क्यों बेइज्जती करवा रहा है, वो नहीं है ये। आजा बेटे, इस पे जेल नहीं होती है। अच्छा, ये फैमिली शो है। अरे क्या कर रहे थे भाई, बैठो भाई, लोग ऊपर बैठ सकते हो। ऊपर भी बैठ सकते हैं, ये हमारे लिए है। आपके लिए ही है स्पेशल, बैठो बैठो। आदत नहीं है नहीं छोटे मोटे शो की। अच्छा छोटा मोटा शो, छोटा मोटा। बड़े बड़े शो में बैठते हैं ना हम लोग। कौन से बड़े शो में? छोटे मोटे शो नहीं। कौन सा शो बड़ा है तुम्हें बताएंगे बाद में। चलो आपने शुरुआत कर ही दी है तो मैं भी रोस्ट की शुरुआत करता हूँ। ऑनेस्टली राउंड 12 जैसा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट। वो तो सबको पता है, आगे बताओ। देखो एक सवाल था, अच्छा कॉन्टेंट कैसे बनाए, इसके ऊपर कुछ टिप्स। अरे ये दूसरे एपिसोड का क्वेश्चन है। इधर क्यों डाला है? रोस्ट हो रहा है क्या? ये हो गया। चलो जैन भाई यहाँ से। इसलिए आया था मैं यहाँ, ये बेइज्जती के लिए आया हूँ मैं। अभी तो एक और है, रुको। मैं रोस्ट मार तो दूँ लेकिन ये है कौन ही? मतलब तू ले आया मुझे यहाँ पर कि एक शो है। वैसे शो का नाम क्या है? थगेश शो। थका हुआ शो लग रही है यार। लिखना पड़ा है यहाँ पर इन्हें, लिखना पड़ा। जो बाहर वाले हैं उस पर लिखा हुआ नहीं होता, काउंटर पे है ना? आपको पता है राउंड टू हेल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या सिमिलैरिटी है? क्या है? दोनों में लड़कियां नहीं होती। हमारे में होती है, हम खुद बन जाती है, जरूरत नहीं है। बट तुम चारों में जैसा मैं देख रहा हूँ यूनिटी बहुत है। चार, हम तो तीन है। हाँ, आप तीन और येलो डॉलर साइन। यू आर राइट। लेकिन ये हमारे कंटेंट को लेके हमारी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन कपूर एक्टिंग की क्लासेस लगा रहा है। ये तो बहुत बुरी होगी, इतना बुरा हो गया। वैसे थगेश, लोगों के जो चैनल होते हैं वो इंस्पायर करने के लिए होते हैं, लेकिन तुम्हारा ना एक्सपायर हो जाना चाहिए। बोल लो मुंह बना के बैठे हो। बच्चों का थोड़ा फायदा हो जाएगा, ऐसे कंटेंट देखेंगे तो खराब ही होगा। ऐसा लग रहा अपना हो गया रोल। ये वाला नहीं फूटा, ये बना नहीं भाई, ये पंच नहीं बन पाया। ये तो पता ही नहीं कहाँ को गया है। और ये वाला तो मैं रखूंगा, आगे बन जाएगा। ये सच में नहीं पता कहाँ को गया ये पंच। ऐसे तो मेरी तरफ हो, वो व्यूज की तरफ है। ऐसा लगा ना जैसे इसकी वीडियो जाती है, दो तीन देखी मैंने।
चलो रोस्ट से हटके मैं सवाल थोड़े पूछता हूँ आपको। मेरे को जब कमेंट्स आते हैं ना वी मिस ओल्ड थगेश, तो वो 2-3 साल पहले वाले थगेश की बात करते हैं। आपको जब कमेंट्स आते हैं ना वी मिस ओल्ड R2H, वो आपके 2 वीडियोस पहले की बात कर रहे होते। तो मतलब इतने कम वीडियोस क्यों आते हैं? 2 साल पहले थगेश नाम का कोई था भी? अबे देखो अपनी लंबी वीडियोस होती हैं, है ना, बहुत लंबी वीडियोस होती है, जैसे तुम्हारी होती है 12 मिनट की, तो 12 मिनट पे तो हमारा टाइटल आता है कि वीडियो शुरू होगी अब, तो टाइम तो लगेगा, है ना। थगेश गलत गलत भिड़ गए तुम आज। भाई लोग रोस्ट खत्म हो गया है। हो गया, अब ये लास्ट तक चलेगा। ओए स्त्री का सलमान खान। भाई देखो कंटेंट कंटेंट भी हमारा हमारा करना पड़ रहा पंच मारने के लिए। जेन्युइनली मेहनत लगती है ना, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत। क्या प्रोसेस होता है स्क्रिप्टिंग का, राइटिंग का वगैरह? स्क्रिप्टिंग करते हैं हम बैठकर सारे साथ, फिर उसमें भी हमें 15 दिन चले जाते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन। 15 दिन में मेरी 5 वीडियो आ जाती है। अभी तो स्क्रिप्टिंग चल रही है। अच्छा, अभी उसको फिर लोकेशन देखने के लिए 15 दिन चले जाती हैं। मेहनत तो है, मतलब इनको देखना पड़ता है इनके वीडियो पहले रिलीज हो रहे हैं या वसीम पहले रिलीज होएगा। वसीम भाई आप बड़े एक्साइटेड, आप बताओ। हाँ, क्या किस्सा था? कौन सा वाला? जब अंदर थे आप जेल में। बहुत बढ़िया माहौल था। इस लफ्जों में बयां है कि दुश्मन भी ना जाए, इतना बढ़िया था। बट ठगेश जाए, ठगेश जाए। एक बार जाके नहीं पूछ रहा मैं भाई, एक बार जाके एक्सपीरियंस करो। हाँ। फिर मुझे बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो ये एक्सपीरियंस जो ना लोगों को जाके पता चलता है, खुद यहाँ पर बैठ के यहाँ पे द ठगे शो लिख कर पता नहीं चलता। इसको बार बार पढ़ना पड़ रहा है, इसको याद भी नहीं है नाम, तो बार बार ऐसे आके दिख रहा है। अरे भाई कौन है तू? वसीम भाई की कोई बेइज्जती नहीं करेगा, सही है? हम बहुत इज्जत करते हैं वसीम भाई की, हमारे चक्कर में 15 दिन रह कर आए थे और अभी 30 दिन और रहेंगे इस शो के बाद। सर तुम्हारे चक्कर में मैं भी रहूंगा अंदर। बस हो गया बेटे, हो गया। गाइस वीडियो में आगे जाने से पहले आपको तो पता ही होगा पिछले एपिसोड में श्लोक भाई आए थे हमारे शो पे। यस एंड आपको तो पता है बहुत सारी स्किन्स लेके आए थे, उनमें से कुछ स्किन्स वो हमारे लिए छोड़ के गए। जैसे ही वो गए ना मैंने एक स्किन अपने फोन पे लगा दी, एंड ये स्किन है उनके मेसडिट कलेक्शन की, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड काफी रिलेट करता हूं इससे। कलर्स देखो भाई, टेक्सचर देखो, चुम्मेश्वरी एकदम। जरूर देखना, आपके पर्सनल जो भी फोन है सबकी स्किन्स आपको मिल जाएगी layers.shop पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाजिम भाई आपका निकनेम है दल्ला। इनकी देन है वो। कि इनकी राइटिंग थी जी। देखो ऐसा होता, आप जानते होगे कि बॉलीवुड से नाम निकलते हैं, किंग खान, एक था टाइगर से टाइगर, पठान पठान, ऐसी नाजिम भाई है ना, हमारी वीडियो से निकलते हैं दल्ला। और कोई बढ़िया निकनेम पड़ा है आप लोगों का? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है, वसीम। बाकी में है यार, मैं पर्सनली नहीं, मैंने कोई वो नहीं निकाली है, वीडियो से है, वीडियो में है वसीम। अबे अभी भी भाई की स्ट्रेटेजी नहीं समझ रहे हो तुम लोग। बट मीम्स तो काफी बने थे ना उस पे आपके? हाँ मीम्स तो, अभी तुमने भी बनाए होंगे कुछ थोड़े मीम, देखना है आपको। चलो बढ़ते, व्हाट इफ यू वेयर अ मीम। ओफो, किस कदर गाली है। In the case, Mr. Rajarasto. Yes, sir. Can you tell us how an induction motor starts? खुद तो मरेगा मरेगा, हमें भी मरवागा। आप नहीं ठोगे, मैं नहीं ले सकते। वो देख रेस्त्री का सलमान खान। ये बढ़िया भैया, डिस्कस करने 1.5 करोड़ पैकेज था। ले ये लटक रही टिप, अरे मैं ना नींबू निचोड़ दूंगा। मेरी क्यों मारी? आप ग्लास फेंक के मारेंगी मेरा सर फट जाएगा। मैं आपको क्यों मारूंगी? तेरी अम्मा के साथ साउथ अफ्रीका जाना। ये बढ़िया थे, काफी अच्छे मीम्स हैं। थैंक यू भाई। नेक्स्ट मीम। ओ
Tell us how an induction motor starts. अभी भी है कुछ कहाँ कहाँ जाएगा ये सारे मार्बल्स में घूम के ये हो क्या रहा है सारे यूनिवर्स में घुमा दिया एक बार करके दिखाना भाई उइया 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 नेक्स्ट मीम ओ लेटर अरे अरे आका आका को फेल दिया ये लटक रही टिप How are you? I am under the water. बढ़िया जबरदस्त रहन दो कैरियर तुम्हारा इसमें नहीं है इसमें ही है ना बहुत शानदार यार लास्ट मीम जो हो रहा है और भी है फ्रेश महसूस हो रहा है एकदम ताजा नाजिम बीइंग इन बॉलीवुड अरे एक प्लेट बिरयानी दो यार तुम्हें बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना खुद की एक पूरी ना है लेग पीस दो मांग रिया फ्रेश महसूस हो रहा है एकदम ताजा फ्रेश महसूस हो रहा है सोल्जर्स असेंबल सोल्जर्स ये तो सब टिकटॉक वालों की सूरतें एक सी लगती है मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ क्या बोलती है तू चौकीदार लगा है चौकीदार एटीएम में बैठने वाला मुन्ना तो डॉक्टर है ना डॉक्टर साहब वो बेड नंबर 4 बेहोश हो गया अब्बा तूने फैलाई है कि मैं 10वीं में 10 बार फेल हुआ हां दरोगा साहब मैं बाहर ना आऊंगा तो इस धर्मशाला में मन लगने लगा है बढ़िया जी बहुत अच्छा कौन सा बढ़िया लगा सबसे सारे अच्छे थे मुझे आका वाला बढ़िया लगा वो फ्लश में जो गए फ्लश में मोरी मैया नाजिम भाई जंगल वाला वीडियो के ये ज़ॉम्बी आप जो बने थे एडम वो पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर राउंड टू हेल का दोनों वीडियोस का तो उसके पीछे क्या किसके पीछे एडम के कैरेक्टर के पीछे एडम के पीछे वो शूट पे कैसा था सब स्मूथ तक वो ज़ॉम्बी लेके कैसे आया वो ज़ॉम्बी जो पब्लिक है क्या ऑडिशन लिया था या क्या किया था नहीं मारे थे कई सारे ऑडिशन लेना पड़ा था ऑडिशन लेना पड़ा बन नहीं पाते ना ज़ॉम्बीज साले हंसते हैं वो ज़ॉम्बीज का हंसता हंस रहे थे और बहुत सारे तो हंस रहे थे उनको 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 आवाज निकालने के लिए बोल रहे हैं तो हंस के दिखा रहे हैं ज़ॉम्बीज को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी अच्छा इस पे ज़ॉम्बी का एक किस्सा याद आया मुझे हम लोग ज़ॉम्बी का शूट करके तीसरा डे था शायद है ना और घर आ रहे थे वापस कार में तो उस कार में हमारे साथ 5-6 ज़ॉम्बीज जो थे ना वो भी थे पीछे बैठे थे मेकअप किए हुए हाँ मेकअप बिल्कुल प्रॉपर मेकअप और मैं जैन बैठे हुए थे वसीम भाई अलग कार में थे शायद अब साइड से कार आई पुलिस वालों की उन्होंने आगे लगा के उन्होंने रोक लिया अंदर आए उन्होंने चेक करा अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा कि इनको क्या बताएं हम कि ये कौन है तो जैन कह रहा क्या बताएं मैंने इन्हें वॉकिंग डेड के 7 सीजन दिखाने पड़ेंगे बाप रे तो भी समझ में नहीं आ वो फिर निकला एक उनको ये लगा होली का टाइम था हाँ तो ये होली वोली खेल का होली वोली खेल इन मुंह में कौन सी होली गोली है ये होली नहीं इनको गोली मारी है तो ऐसे तो फिर अभी वाले वीडियो में भी हुआ रहेगा जो लेटेस्ट आपने बनाया मैन ऑन मिशन वाला
उसमें ऐसा हुआ बंदूक लेके घूम रहे हो कुछ? AK-47 थी वो सारी। ना ना इशू तो बहुत आए हैं अभी भी, जेल से आने के बाद भी एक हो गया था जो मैंने फोटो डाला था इंस्टाग्राम पे, तो पुलिस वाले आ गए थे कि भाई क्यों शो ऑफ कर रहे हो ये चीजें। मैं कह रहा डमी है सर, ये तो शूट का फोटो है। तो वो भी चेक किया था वहां पुलिस स्टेशन में कि वो वाली गन लाकर दिखाओ जो तुमने यूज की है। उनको दिखाई, फिर उन्हें विश्वास हुआ, फिर जाके मैटर कटा। वसीम भाई ना अलग टाइमलाइन पे चलते, पता है एक टाइमलाइन होती है बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, वसीम भाई चलते बिफोर जेल स्टोरी आफ्टर जेल स्टोरी। एक बार हुई अभी जो न्यू वीडियो आई है मैन ऑन मिशन, उसको बहुत सारा प्यार मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मिला कहाँ मिला कहाँ मिला उस पर तो प्यार ही नहीं मिला। एक मिनट गाइस, कितने मिलियन व्यूज है उस पर? 26 मिलियन व्यूज को ये लोग बोल रहे रिस्पांस नहीं मिला है। अब इसलिए बिल्कुल आगे के 26 पे फ्लॉप हो रही है। देख रहे हो भाई, लोगों की हिट वीडियो 26 मिलियन नहीं जाती, इनकी फ्लॉप वीडियो 26 मिलियन गई है। ये इसको भूलना चाहूंगा मैं तो, भूल जाओ यार, भूल जाओ, बुरा कंटेंट था यार, मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना जरूरी होता। देखो नहीं आया पसंद ऑडियंस को, हमने ट्राई करा था अपना बेस्ट जैसे तुम कर रहे हो। इसका सीक्वल आएगा, डर इसको डिलीट में जाएगा, ये खुद ये कुछ डिलीट होने वाला है। आपके मूवीज में सलमान भाई का बहुत रेफरेंस रहता है, पसंद है जेन्युइनली या नहीं? हाँ, पसंद भाईजान पसंद। तो ये जो डायलॉग्स आपने डाले हैं रेस 3 का सलमान खान, इसके पीछे की कहानी बताएं? आज तक पता नहीं है, हम लोग जो बोल देते हैं ना रेस 3 का, वो मूवी देखकर आए थे ना? मूवी देखकर आए थे। अगले दिन हमारा शूट था, तो शूट चल रहा था, अब शूट चलते चलते डायलॉग तो खत्म हो गए, अब कट करना है। भाईजान जो बुर्ज खलीफा से कूदते हैं ना, जहाँ लड़ाई चल रही होती है साथ, वहीं पे लैंड करते हैं, तो कट की जगह ये हुआ था रेस 3 का सलमान खान। आगे कोई डायलॉग नहीं, ट्रांजिशन मिल गया। हाँ, एक ही कैरेक्टर आप बहुत प्ले करते हो, जैसे स्पेशली IPL वाला जो आपका EPL है आपने बनाया, चार बार वसीम आ रहा है, चार बार जैन आ रहा है, चार बार नजीम आ रहा है, तो वो दिक्कत नहीं होती शूट करने में? भाई दिमाग खराब नहीं होता कि यहाँ पे एक मिस हो गया, वहाँ पे दो मिस हो गया? एक शॉट था ना उसके अंदर, वो तुमने बुलाया था मुझे एडिटिंग पे, जो दिखा रहा था बॉलिंग डाली बॉलर ने वो मैं हूँ, अरे बैटिंग करी वो मैंने करी, हाँ। कैच जिस फील्डर ने लिया वो मैं हूँ, और जो आउट दे रहा वो मैं। मतलब पूरा सिक्वेंस जो बना था उसे जब जोड़ा उसको एडिट किया तो उसमें सब जगह यही था, एम्पायर भी यही था, सब कुछ यही था। वसीम भाई धोनी बने थे तो हेयर स्टाइल की वजह से अब धोनी लग रहे हैं, अब धोनी लग रहे हैं, अब तो वो लग रहे हैं बोले जो कोयल वाला बंदा है, पता है? ना वो गुल्लू ड्राइवर। चलो इसी बहाने तुम्हारे हंसी का कारण तो बनना है। हाय 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 हाय, सो स्वीट। ये आपने जो वीडियो बनाई थी एज ऑफ वाटर, रेगिस्तान में टोटल शूट हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये? जैसलमेर। हम जहाँ पर थे वो पूरा ही रेगिस्तान था, एकदम बीच में गए थे। तो हम ना गाड़ी से जाते थे, अब वो 4x4 नहीं थी जिसमें हम एक दिन जा रहे थे, तो गाड़ी फंस गई थी हमारी, उसका टायर फंस गया था, एकदम से जो सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब तो गए, तो ये सबसे ज्यादा चीख रहे थे। ड्राइवर था तो उसने जो है गाड़ी फंसा दी थी। है ना? अच्छा, अब जो फंसा दी तो वसीम भाई का मूड खराब होता है जल्दी, इजीली। अच्छा सॉरी। तो वसीम भाई उससे बोले अब गाड़ी मैं चलाऊंगा इधर से जाते हुए, तो शाम में वसीम भाई को चाबी दी, उसने कह रहे पहले सीखूंगा। हाँ वहाँ पे कह रहे थे सच्ची में, हाँ पहले सीखूंगा कुछ दिन दे, कॉन्फिडेंस देख रहे हो। हाँ, मुझे वो ही है कि अगर आप चला रहे हो तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ, रोज आप उसी रोड से निकल रहे हो, उसी रोड से आ रहे हो, उसके बावजूद भी गलतियाँ कर रहे हो, मुझे थोड़ा सारा इस पर थोड़ा सारा वो रहता है इशू। बट आप लोग के बहुत फैंस ऑफ कोर्स, एंड फैन स्टोरीज तो होगी कुछ वियर्ड या? बहुत सारी है। आपकी पहले तो हम कार में आ रहे थे, पीछे बैठे थे हम, हाँ तो हमें ना भीड़ ने घेर लिया था, पूरा क्राउड हो गया था, तो एक फैन बहुत जो जिद्दी होता तो वो ऐसे विंडो पर आ गया, और मैं विंडो की साइड सर फट रहा था, है ना? हाँ। होता है ना एक भीड़ में से निकल गए किसी काम से, तो वो आया और वो कह रहा गाड़ी चल रही है हल्के हल्के, ड्राइवर भी खून खोला पड़ा उसका कि भीड़ हट नहीं रही, और शीशे पर आके कह रहा जैन भाई एक गाली बक दो। एक गाली बक दो, तो मैंने शीशा खोला पे हट जा। पागल हो गया, पागल। हम कह रहे सीरियसली कह रहा हूँ हट जा, और ऐसे भी दे दो एक किसी दोस्त को। उसका दोस्त भी कह रहा हाँ मुझे दे दो, मुझे ब्लो हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो कि सबको बहुत पसंद आता है, जहाँ पे आपको अपनी थग लाइफ स्टोरीज बतानी है।
ये बात है, जब हम अर्निंग शुरू कर चुके थे यूट्यूब पे, हाँ, तो मेरा एक दोस्त था, उसका भी एक भाई है, बड़ा भाई, तो मैं उसके घर जाता रहता था। उसे पता चला होगा उसके भाई को कि वीडियोस बना रहे हैं हम ऐसी कुछ, तो थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा होता ना कि दिखाना छोटा किसी को। तो वो एक दिन मैं पहुंचा तो उससे बोलता, अबे क्या कर रहे हो ये तुम, इससे क्या मिलेगा, तो कुछ पैसे वैसे कमाओ। तो बोला, यार मुझे पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहा, तो मुझे डॉलर से फ़र्क पड़ता। कह रहा, मतलब मुझे डॉलर के भाव से फ़र्क पड़ता, बढ़ने से और घटने से। अच्छा, बोला इसको समझा मैंने, वो तो तुम तब समझोगे ना कमाओगे डॉलर में। नाजिम भाई, ऐसी है ठग लाइफ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सीरियस है। कोई नहीं, चलेगा। मतलब सेम जैसे जैन बोल रहा है, स्टार्टिंग के डेज में जो होते हैं कुछ लोग कि क्या कर रहा है, ये कर रहा है ना, और काफ़ी मतलब क्रिटिसाइज़ करते हुए एक बंदा है, मैं नाम नहीं ले रहा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ के घेर घेर के वो क्रिटिसाइज़ करता था कि इसमें अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, इससे अच्छा तुम मजदूरी करो, कुछ करो। हाँ, है ना। अब कितने, 3-4 साल हो गए ना, 5 साल हो गए शायद, उसका भाई काम करता है अपने साथ। जवाब है, मैंने तो वक्त से जवाब है, क्या बात है। अब बोलना मत, नहीं है। अगर सब बता रहे तो मैं भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मेरा कुछ ऐसा है कि रिलेशन में एक होता है, किसी के घर पे बहुत बढ़िया कमाने वाला होता है, एक बढ़िया होता है, तो वो सबको एडवाइस देता है। हाँ। तो हम जब कुछ नहीं करते थे तो घर पर आकर एडवाइस देने का काम था कि भाई कुछ कर लो, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की बात है, बहुत समझाता था। फिर उसके बाद जब हम जैसे आगे आगे बढ़े बढ़े बढ़े, फिर उसके बाद आता उसका फ़ोन कि यार वसीम ऐसे ऐसे बात है, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, ऑफिस के बंदे हैं, तो यार तेरे से मिलना चाह रहे हैं और तेरे को बहुत पसंद करते हैं वो लोग। मैं कह रहा अच्छा। तो मैंने भी कहा कि यार अभी काम धंधे में व्यस्त हूँ। ये सीन है, लाओ चश्मा दे दो मुझे। बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी गाइस। वसीम, नाजिम या जैन भाई, आप वोट करो कौन। ये तो नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे। दे दो, घर में ही आ रहा है। हाँ, वैसे तो घर में ही आ रहा है, ऑफिस में जा रहा है। देखो, मैं पर्सनली ऑडियंस की नहीं सुनूंगा, मेरे को तीनों की स्टोरीज बढ़िया लगी, तो मैं कंबाइंड अवार्ड दूंगा राउंड टू हेल के नाम से। बाय द वे मैं बता रहा हूँ, तीनों के नाम की प्लेट्स हमारे पास है, ओके, देख लो इधर, ठीक है। वाह, क्या बात। लो, अर्थिंग 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 अर्थिंग। थैंक यू। एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जहां पर हम लोग गेम्स खेलेंगे लेवल अप। वेलकम टू लेवल अप गाइस। आज हम लोग खेल रहे हैं हाइड्रो एक्सो। सिंपल गेम है, बचपन में सबने एक्सचेंज जीरो खेला होगा, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, हमारे पास ग्लासेस है एंड यहाँ पर 20-20 बॉल्स है हर टीम के पास। चलो, मेरी एंड वसीम भाई की टीम, चलेगा ना। ये कौन सी टीम है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, हैशटैग हैशटैग, ठीक है। सेकंड टीम नाजिम भाई एंड जैन भाई की। दोनों टीम में से एक एक बंदे आएंगे, अपने में से पहले कौन जाएगा। अपन, चलो वसीम भाई पहले जा रहे हैं, आप में से पहले कौन आएगा। इसमें बॉल डालनी है। हाँ, तो हर टीम में से एक एक करके बॉल्स फेंकने हैं एंड एक्स एन जीरो खेला है, जैसे मैंने बोला, एक सिंपल लाइन में बॉल्स डालने। समझो यहाँ पे आपने दो येलो डाल दी, तो आपको उसे तोड़ने के लिए यहाँ पे एक ब्लू डालनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल गेम, दो राउंड्स होंगे, एक में आप दोनों खेलोगे, एक में हम दोनों। दोनों राउंड्स में जो भी जीतेगा वो विनर्स के बीच एक फाइनल होगा, ठीक है। ठीक है, एंड जो भी हारेगा हर राउंड में उन्हें डेयर करने पड़ेंगे। डेयर का बाउल है हमारे पास, ठीक है, लेट्स गो। वसीम भाई डालो पहले आप। चलो वसीम भाई, एक आप। एक्सपीरियंस है, रुक जा अभी। अरे रे, बहुत बढ़िया बोलिंग। मी डालनी है अभी। अरे बहुत बढ़िया खेल। अरे भाई पहुंचा ही नहीं। अरे अबे तीन टप्पा, चलो ठीक है। वसीम भाई यहाँ पे,
चलो चलो इधर इधर गए वसीम भाई गए बहुत आराम चलो चलो मैं डालनी है ना मुझे तो भाई कोई नहीं वसीम भाई और मैं क्या चांस दूं है वो है ना यार ये भी चांस है ये भी चांस है कहां पे डालता है अरे आधा ना डालने का चलो आ जाओ देर करना पड़ेगा नहीं इसमें कुछ नहीं रीड कर दूं लो जी सर स्क्वीज हाफ अ लेमन इन योर माउथ विदाउट मेकिंग फेसेस आधा नींबू निचोड़ में निचोड़ना है और फेस नहीं बनाना है ये कौन सा तरीका हुआ आप चूज करो मुंह नहीं बनना चाहिए वसीम भाई मुंह नहीं बनना चाहिए एकदम बिल्कुल न्यूट्रल एक्टर तो हो ही आप अरे निचोड़ अरे लड्डू थोड़ी है भाई निचोड़ दूसरा लो अब यही तो यार ये बन गया चटकारा ले लिया उन्होंने नाइस यार गुड ए अब बना राउंड टू हेल ओह क्या बात है अब दिखाता हूँ आ जाओ मेरे को भी करो कुछ बट्टे मार दे बाजी चलो रेडी ओ ओ डर को चली जाए नहीं मानी नहीं होगी तो तेरे हाथ थोड़ी लगा अरे अब के तो जीतने भी ना दूंगा ये इधर इधर बढ़िया ये ओ मिस 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 सोफा ओ लेकिन वो बहुत हार्ड हो गया अब चलो नाइस पहले ब्लॉक करता हूँ बहुत गलत जगह पे गए ओए वहाँ जाएगा ही नहीं यहाँ डालनी पड़ेगी चलो चलो ओ वेरी गुड बाहर गई बस सही सही ब्लॉक कर दिया सब ब्लॉक हो गए दोनों ब्लॉक हो गए ड्रो हो सकता है इधर को चली जा अब तो ड्रो मैं तो जीत ही नहीं डाल सकता ना 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 भाई मैं तो दो है ना अभी कहां दो एक वन टू थ्री यहां भी कर सकता है बहुत ही इधर है यहां पे गेम बहुत ही उस पे पहुंच गया बा लास्ट वन देख लिए नींबू है क्या इसमें भी भाई ये क्या है 10 पुशअप्स व्हाइल मेकिंग योर टीममेट सिट ऑन योर बैक अरे भाई वसीम भाई नींद वाला चुल्ली दम तो नहीं निकलेगा करना तो पड़ेगा ऐसे ही बैठो और बैठ बहुत बढ़िया ये कहां बैठ बैठो वसीम भाई फुल बैठ ना चीटिंग नहीं 2 3 आ गया ठगेस गया 4 5 6 बहुत बढ़िया वेट 3 रह गए अभी तू शेर है शेर चलो चल अबे बहुत मजा है भाई इसका चलो एक भी नहीं हुआ एक चलो माफ करो आ जाओ रेंद्र चलो हो गया भाई माफ किया फाइनल राउंड गाइस ओह एंगल मत लगा ये भी क्लोज था भाई चलो चलो तना भला नाज़िम भाई अरे भाई क्या है भाई गुस्सा करो भाई ब्लॉक कर रहा नाइस 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 यहाँ पे ये वाला ब्लॉक बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल रहा है देखो देखो स्वैग वाला ये बिना देखे फीलिंग समझ रही है इसकी टफ लेगा
रिपीट द टंग ट्विस्टर 10 times. रिपीट द टंग ट्विस्टर 10 times. टंग ट्विस्टर लाओ. टंग ट्विस्टर मैं पढ़ के बताता हूँ, मैं पढ़ पाऊँ तो. छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा, छज्जे पे चच्चा मारे छल्ले. पढ़ लो. छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा, छज्जे पे चच्चा मारे छल्ले. रिपीट 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 रिपीट. छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा. हाँ रिपीट रिपीट रिपीट. चच्चे पे छल्ला मारे. यार चच्चा मार के चला जाएगा. छल्ले पे छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा, चच्चे पे छल्ला मारे, छज्जे पे मारे छल्ले. छल्ले में छल्ला, छल्ले छल्ले में छल्ला मारे चच्चा पे छल्ले. हट यार. चच्चा पे छल्ले. छल्ले पे छल्ला मारे छज्जे पे छल्ले. छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा, छज्जे पे चच्चा मारे छल्ले. छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा, छज्जे पे चच्चा मारे छल्ले. छल्ले में छल्ला, छल्ले पे छज्जा. अरे यार. अरे हो गया, बहुत हो गया. निकालो बेटे. इच्छाएं बाद में पूरी होंगी, पहले झूमे जो पठान पर डांस करो. आता आ जाओ. अरे झूमे जो पठान मेरी जान, उसमें मर मिट जाए. टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग ये टिंग डिंग डिंग. अच्छा आता तो हमसे भी नहीं. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग. एंड भाई लोग की वीडियो MOM जाकर देखें, जाकर जरूर देखना. चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड हैंपर्स दाई जाए इनके लिए. फाइनली कुछ मिला. थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ये स्किन एंड ऐसा और भी अमेजिंग कलेक्शन layers.shop पे. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेकआउट करना. डू सब्सक्राइब टू चैनल. इनको छोटे मोटे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. 10-15 क्या कौन रिया छोटा मोटा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट. अगली बार जब EPL करो ना, रियल में तो RCB नहीं जीतता, उसमें तो जिता दिया करो प्लीज यार. मुझे लगता RCB जीत के उसी दिन IPL बंद हो जाएगा. क्योंकि उसकी जीत के लिए ही देख रहे हैं काफी लोग.